दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। और दोस्तों आज की जो हमारे पास जॉब्स की अपडेट रहने वाली है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ओपी जो हमारा मीरपुर जोन का सर्कल है यहाँ पे क्या है कि मल्टीपर्पज वर्कर के 4 पदों तो जो है आवेदन मांगे गए हैं। ये जो पद रहेंगे डेली बेजिज बेसिस के ऊपर ये पद भरे जाएंगे और ओपी जोन हमीरपुर में ये पद जो है अब आपके भरे जाएंगे। दोस्तों बात करेंगे इन पदों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या इसकी अंतिम तिथि रहेगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो श्रेणीवार जो पद दिए गए हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी के 4 पद हैं और इन पदों के लिए जो पात्रता है आप भारत के नागरिक होने चाहिए, हिमाचली बोनोफाइड होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाले होने चाहिए, उम्मीदवार के पास कोई भी जो आपकी फैमिली में कोई भी जो है सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कभी भी आपराधिक आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों अब बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों ये है कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा, मेरिट बेस के ऊपर ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। एज लिमिट की हम बात करें 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन पत्र के लिए दोस्तों ये आपको क्या है कि इन्होंने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनका आपको ये पत्र मिल जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों कि जो जिसमें सेलेक्ट होंगे आवेदक उनको ही काउंसलिंग के लिए ये बुलाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जो आपको लगाने होंगे, आपका आधार कार्ड हो गया, आईयू प्रमाण पत्र हो गया, हिमाचल बोनोफाइड सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास अगर आप नॉन एम्प्लॉई हो गया आपका, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से तो वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। इसी तरह दोस्तों आपका जो है 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, बीपीएल प्रमाण पत्र है आपका तो अब वो लगेगा, पर बीपीएल प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से कम होना चाहिए। और साथ में इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, अगर आपके पास जो है आप तभी एलिजिबल है अगर आपके पास जो है 6 मंथ का जो है किसी संस्थान से जो है कंप्यूटर कोर्स है एप्लीकेशन में डिप्लोमा है सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है, सामान्य निर्देश उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा, जो उनका पत्र है जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है। साथ में क्या है कि एक आपको लिफाफा उसमें डालना होगा अंदर लिख के, और उसके ऊपर जो है आपको अपना जो है पूरा एड्रेस डालना होगा। साथ में क्या है कि आपको जो अपना जो पूरा फॉर्म है नीले या काले पेन से आपको भरना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है आपको कौन सा आवेदन पत्र भरना होगा और कैसे इसके लिए क्या करना होगा। तो इस जो डॉक्यूमेंट 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं वो आपको लगाने होंगे। कुछ इस तरह का दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना होगा। इस पर नाम, पिता का नाम, स्थायी गृह पता आपका, पत्रा पता आपका, जो पूरा एड्रेस वगैरह दिया गया है और आपके यहाँ पे जन्मतिथि जो अंकों में भी शब्दों में भी लिखनी होगी और योग्यता आपकी जो जो भी है वो उसमें लिखनी होगी। और इसी में तरह दोस्तों लिखा है विज्ञापन के 7-3 की भी दी देखें, हिमाचल प्रदेश सरकार जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लगाने होंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देनी होगी कि जो भी है इसमें निर्धारित जो फॉर्मा वगैरह है इस पर आपको लिख के फाइन वगैरह करने होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन पदों के लिए जो है फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है और कैसे आपको इसके लिए जो है आवेदन करना होगा। दोस्तों इन पदों के लिए जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पद हैं डेली बेसिस के ऊपर पद भरे जाएंगे और इसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको जो है 375 रुपये पर डे के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी। अब दोस्तों अब बात आती है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना होगा। दोस्तों आपको जो अपना आवेदन है वो सेंड करना होगा अधीक्षक अभियंता प्रचालन परिमंडल HPSB लिमिटेड हमीरपुर, पिन कोड रहेगा 1770-01। इस एड्रेस के ऊपर दोस्तों आपको ये सेंड करना होगा। जो लास्ट डेट इसकी रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी 15 फरवरी 2024 तक जो है आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म आएगा तो मैं इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह कि नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।